الرحمن الرحيم يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين

सूर्यानफ़ान नफ़ल से है और नफ़ल के मायने होते हैं ज़्याती और इस्तलाह शर् में चूँकि वो माल जो जंग के अंदर मुसलमानों को हाथ आता है उससे माल गनीमत कहते हैं उसे नफ़ल भी कहते हैं और उसे इनाम भी कहते हैं ये माल गनीमत इसके पांच हिस्से किए जाते हैं चार हिस्से मुजाहिदीन में तकसीम कर दिए जाते हैं और पांचवा हिस्सा जो है लसूल वो अल्लाह के रसूल के स्वाबदीद पर छोड़ दिया जाता है तो फरमाया कि चूँकि माल भी अल्लाह का है और इसकी तकसीम भी अल्लाह की मर्ज़ी के मुताबिक होगी लिहाजा अल्लाह ने इस फैसले को आपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुपुर्द कर दिया गया है और आपने इसको मुजाहिदीन में और उसके बाद पाँचवा हिस्सा जो है वो गरीब मसाकीन यतीम और अपने स्वाबदीद पर जैसे चाहें उससे वो सर्व करें इसी तरह दूसरा मायना एक फे है फय वो माल होता है जो दुश्मन के साथ बग़ैर जंग किए दुश्मन खुद अपनी मर्जी से मुसलमानों के हवाले कर दे या वो छोड़ कर भाग जाए तो ये दोनों सूरतों में जो माल मिलता है मुसलमानों को उसे फैय कहते हैं और जो माल उनसे जंग करके हासिल किया जाता है उससे माल गनीमत कहते हैं तो ये दोनों वो माल हैं जो अल्लाह तबारक व ताली ने मुसलमानों के लिए इसको हलाल करार दिया है जबकि पहली उमतों के लिए ये माल भी लेना जायज़ नहीं था बल्कि इसको मैदान में छोड़ देते थे अल्लाह की तरफ़ से आग आती थी और वो जला देती थी बने सरीली पर ये भी अल्लाह ताला का एक सख्त क़ानून था और ये कानून उनकी सरकशी की वजह से उनकी नाफ़रमानियों की वजह से अल्लाह ने उन पर ये मुसलित किया था और दूसरा लफ्ज़ इसका इनाम है इनाम के मान होते हैं जैसे प्राइज़ देना और गिफ्ट देना तो ये अमीर मुजाहिदीन जो होता है ये उसकी स्वाबदीद होती है कि वो किसी मुजाहिद के किसी अमल से खुश होकर उसको जो इनाम दे देता है उसे गिफ्ट दे देता है तोहफ़ा दे देता है उसे इनाम कहा जाता है सूरत की इब्तदाई आयत में अल्लाह तबारक व ताली ने मुसलमानों के कुछ खसूसियात उनकी सिफ़ात जिक्र फरमाई हैं फरमाया कि ज़ीना इज़ा जलत क्लूब हम व इज़ातलयतअम आयात जम ईमान वालबिम या तोलुम कि ये वो लोग हैं जिनके दिल अल्लाह तबारक व तिक्र से कांप उठते हैं और ये वो लोग हैं जो ईमान में जिनकी तरक्की होती है ज्यादा हम ईमान यानी उनका ईमान बढ़ता रहता है जो ही वो अमल करते हैं नेक उन नेक आमाल की वजह से उनके ईमान में तरक्की होती रहती है और तीसरी सिफ़त फरमाया कि वो अल्लाह पर तोल करते हैं और चौथी सिफत यह है कि वो इकामत सलाद के पाबंद हैं और पाँचवीं सफत यह है कि वो अल्लाह के रास्ते में माल भी खर्च करते हैं ये इब्तदाई आयात थी और इन में ईमान वालों की अल्लाह तबारक सिफात जिक्र फरमाई हैं आगे सूर्य इनफाल के दो हिस्से हम करते हैं आ, सूरत के दो हिस्सों में से पहला हिस्सा आयत नंबर एक से लेकर चालीस तक है जो नौम सपारे के आखिर तक आती है नमला व्यम नसर तक और दूसरा हिस्सा इकतालीस से शुरू होकर सूरत के आखिरी हिस्से तक है जिसमें अल्लाह तबारक तहजरीन और इंसार और इन सब को एक दूसरे के साथ एक दूसरे के साथ तावन नुसरत और एक दूसरे के साथ मोहब्बत का पैगाम दिया है अब हम आते हैं सूरत के पहले हिस्से की तरफ सूरत का पहला हिस्सा जो है इसमें अल्लाह तबारक व ताली ने फरमाया कि कुलफल व रसूल के, के माली गनीमत जो है वो अल्लाह का हक है तकसीम भी उसी के मर्ज़ी से होगी और उस तकसीम का इख्तीर आपने अपने पैगम्बर अलैहि वसल्लम को दिया है इसी तरह यानी माली गनीमत की तकसीम अल्लाह के रसूल की स्वादीत पर होगी उसके साथ वजूह जिक्र किए गए हैं कि वो सात वजूह क्या हैं वो सात अहलतें क्या हैं जिसकी वजह से ये अल्लाह तबारक व ताली ने ये तकसीम का सिलसिला जो है या इसका इख्तियार जो है वो अल्लाह के रसूल को दिया गया है फरमाया कि सबसे पहली बात कमय अखरजा का रब्बाम बैतिक बबिलहक व इन नफ़री कमिनी नल कैरिहून कि अल्लाह तबारक वाली ने अपने पैगम्बर को मदीना से निकाल कर मैदान बदर में ले आया और उस वक़्त मोमनों की दो जुमातें थीं एक तो खुश थे कि हम जिहाद कर रहे हैं और दूसरे इस मामले में सुस्त थे और परेशान थे कि हम एक ऐसी कौम के मुकाबले में आ गए हैं जबकि हमारे पास कोई तैयारी नहीं है और लगता है कि हम मौत के मुँह में आ गए हैं दूसरी हिलत अल्ला तबारक व ताली ने जिक्र फ़रमाई व्यादुफ़त <laughs> वत शवक़ुल्क्माती वैफरी अल्लाह तबारक वे, 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 वे फरमाया कि तुम्हारा तो यह ख़्याल था कि हम एक ऐसे तजारती काफिला पर पहुँच जाएंगे और हमें सब कुछ वहाँ से हासिल हो जाएगा बगैर तकलीफ किए बग़ैर जंग किए बगैर लड़ाई लड़े बगैर मुसीबत और मशक्क़त उठाने के और लेकिन अल्लाह चाहते थे कि जूठी जमात को तीन गुना पर गालब करके हक को गालब करके बातल की जड़ काट कर अल्लाह तबारक मसाल कायम करना चाहते थे कि जब मैं किसी को फतह देता हूं तो वो आपने से तीन गुना लोगों पर उनको मैं गालिब कर सकता हूं तीसरी वजह यह बयान की आयत नंबर पंद्रह में इस दस्तगी दस नंबर इस दस्तगी बेअलफिन तुम अल्लाह से मदद मांग रहे थे अल्लाह ने तुम्हारी दुआ कबूल फरमारी हुआ यह था कि नबी कीम सल्हस को अल्लाह तबारक वाब में दो जमातों के साथ मुकाबला मुकाबले के लिए आपको एक ख्वाब आई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक यह भी आपसे वायदा किया कि इन में से दो जमातों में से एक जमात पर मैं आपको गालिब करूँगा नबी करीम अलैहि वसल्लम को जब यह मालूम हुआ कि कुरैश मक्का का एक काफिला अबू सफीन की सरकर्दगी में तजारत के लिए शाम गया हुआ है और तमाम मक्का के सरदारों का माल जमा करके इस काफ़िले को दिया गया है कि तुम वहाँ से सामान खरीद कर लाओ तजारत का ताकि वो मक्का में उसको फरोख्त किया जाए और इस काफ़िले की निगरानी के लिए सत्तर आदमी जो थे वो इसकी निगरानी के लिए साथ गए हुए थे सरकारी तोआल स सिहबा कराम से मशवर किया कि ये एक काफिला अबू सुफियान की सरकर्दगी में शाम गया हुआ है तो क्या ना हो कि हम इस काफ़िले का रास्ता रोकें और मुशरकिन मक्का पर हम अपना गलबा और अपनी दाख बटा दें इन लोगों ने हमें बहुत ईज़ाएँ दी हैं मुसलमानों को सताया है और अभी भी जो हमारे मुसलमान मक्का में इस वक़्त मौजूद हैं वो कसम पुरसी की हालत में हैं तो जब हम इन पर प्रेशर डालेंगे जोर डालेंगे तो इनका उन ज़ीफ़ और कमज़ोर मुसलमानों पर जुल्म भी कम हो जाएगा आप अलैहि वसल्लम ने सहाबा से मशवरा करके बग़ैर किसी जंग की तैयारी के और जंग का इरादा भी नहीं था और जो जो लोग उस वक्त मौजूद थे उनको साथ लेकर आप वहां से निकल पड़े ना तो आपने ऐलान किया था आम ऐलान था और ना ही सिबा कराम को इसकी तैयारी के लिए कोई पहले से पेशबंदी के लिए कहा गया था जब बी रुकिया में पहुंचे अलैहि वसल्लम, तो आपने हजरत सासा को हुक्म दिया कि जरा आ, साथियों की तादाद गिन लें कितने लोग हैं हमारे साथ उन्होंने गिन पर फरमाया कि या रसूल अल्लाह वसल्लम हमारे पास तो इस वक्त तकरीबन तीन सौ तेरह लोग हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरसाद फरमाया कि ये बड़ी खुशखबरी है हमारे लिए और ये नेक शगुन है कि हजरत तोलूत की तादाद भी जो थी वो तीन सौ तेरह थी अल्लाह ने उनको फ़तः अता फ़रमाई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आगे बढ़े तो आपके मदीना से रवानगी की खबर अबू सफिया को मिल गई और अबू सुफियान ने अपना रास्ता भी तब्दील कर लिया और साथ ही एक जमजम बिन उमर को एक ऊँट देकर उस पर सवार करके और साथ उसको ये पैगाम देकर मक्का रवाना कर दिया कि तुम जाकर मक्का में ऐलान करो कि अहले मदीना ने और मोहम्मद और रसूल अलैहि वसल्लम और उनके अहाब ने हमारा रास्ता रोक लिया है लिहाजा फ़ौर आप मदद के लिए पहुँचे ये शख्स जब मक् मुक्रमा में दाखिल हुआ तो इसने अपने ऊँटनी का कजावा जो था वो उल्ट दिया और आपने कपड़े फाड़ लिए ऊँट के कान फाड़ लिए और ये चीखता चल लाता हुआ गया और ये इस बात का अलार्म था कि बहुत ज़्यादा सख्त ही मुसीबत में है अबू सुफीन का काफ़िला लिहाजा लोगो फौरन निकलो और उसकी मदद को पहुँचो अहल मक्का ने तीन दिन के अंदर अंदर तैयारी करके और तमाम कुरैश को अपने साथ मिला कर वहाँ से रवाना हो गए और ये तकरीबन एक हज़ार का लश्कर था जबकि नबी करीम अलैहि वसल्लम के पास तीन सौ तेरह आदमी थे इसका मतलब हुआ कि ये तीन गुना ज़्यादा मुसलमानों से ये लश्कर की तादाद थी लेकिन अबू सुफियान का काफ़िला तो बच बचा करते हुए निकल गया उधर से इन तीन सौ तेरह के मुकाबले में एक हज़ार का लश्कर मक्का वाले लेकर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकाबले के लिए पहुँच गए बद्र के मकाम पर सरकारी अलैहि वसल्लम पहुँचे और वहाँ जो मट्टी वाला इलाका था उस पर तो कुरैश ने कब्ज़ा कर लिया और जो रेतला इलाका था वो सरकारी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हिस्से में आया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आदमी भेज कर ये मालूम करवाया कि ये देखो कि ये लोग एक दिन आपने काफिले के लिए कितने ऊँट जब करते हैं तो मालूम हुआ कि दस ऊँट रोज़ाना ये काफिले के खाने के लिए ज़बह करते हैं तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरसाद फरमाया कि इसका मतलब यह है कि इनकी तादाद एक हज़ार के करीब है लिहाजा अल्लाह तुबारकवा ने आगे चौथी वजह बताई फरमाया कि तमिन हो वह इमा तो उस वक़्त को याद करो कि जब तुम अल्लाह तुबारकवा से दुआ मांग रहे थे कि अल्लाह हमारी मदद फरमा और हमने आपकी उस बेकसी और बेबसी के में हमने आप पर युगशी मनवास हमने आप पर एक नींद एक सुकून तारी कर दिया एक ऐसी नींद जिसमें सुकून था हमने तुम्हें सुकून की नींद अता की फिर हमने बारान रहमत नाजिल किया फिर तुम्हारे दिलों को मजबूत किया और तुम्हें दिल्ली सुकून नाजिल हुआ वह दिल्ली सुकून और इत्मीनान बख्शा हमें फिर तुम्हारा रेतला आलाका जो था वो बारिश की वजह से मजबूत हो गया और उनका जो मट्टी वाला इलाका था वो बारिश की वजह से उसमें फिसलन पैदा हो गई ये भी हमारी एक तरह से तुम्हारी मदद थी कि उनके जगह को हमने फिसलन बना दिया और आपकी जगह को हमने मजबूत कर दिया फिर पांचवी वजह बताई कि इस युवक रबू का उल की फी कुल्लिन कफर बू फल आनाक वज्रम्ला जब अल्लाह तबारक वाला ने वही की मोमनों की खुशखबरी के, के मोमनों को खुशखबरी सुना दो कि मैं तुम्हारे साथ हूं सबत कदम रहो डगमगाना नहीं है हम काफरों के दिलों में रोब डाल देंगे वो मरऊब हो जाएंगे और फिर आप उनकी गर्दने मारें जैसा चाहते हैं जोड़ से जोड़ को जुदा कर दिया जाए और छठी वजह यह बताई कि वह इस यमकुरफरुलस्मतु का ओ यकुलू का ओ युख रिजुक व यम खैरुल वल्ला जब सरदारान कुरैश ने नदवा के अंदर बैठकर सरकारी दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए ये मीटिंग की ये मंसूबा बनाया कि यक्तुलू का और युक का और युसवतु या तो आपको कैद कर दिया जाए या तो आपको कत्ल कर दिया जाए मदल या आपको मक्का से निकाल दिया जाए इसके अलावा कोई सूरत नहीं है इसने हमारी कौम के अंदर फरका पैदा कर दिया है लोगों को हमारे मुखालफ कर दिया है जो लोग भी बाहर से आते हैं वो इसकी बात को गौर से सुनते हैं और इसी के हो जाते हैं लिहाजा हमारे पास इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है यह कुरैश की मीटिंग हजूर वसल्लम के खिलाफ फैसला करने के लिए बैठी हजूर को कैद कर दिया जाए कत्ल कर दिया जाए या निकाल दिया जाए लेकिन अल्लाह तुबारको ने फरमाया कि कि अल्लाह ने इनके तमाम मंसूबे खाक में मला दिए इसलिए कि वो सबसे बेहतर मंसूबा बंदी करने वाला है सातवीं वजह बताई वह نشاء आया مثل هذا इहाजा असा तिरवली जब वह कुरान सुनते और खूस नवर बिन हारस का ज़िक्र किया गया है कि जब उन्होंने कुरान सुना और वो कहते कि मैंने तो ये पहले लोगों की कहानियाँ बहुत सुनी हैं ये तो पहले लोगों की कहानियाँ हैं ये पैगंबर खुद बना कर लाता है अगर हम चाहें तो ऐसा हम भी बना कर ला सकते हैं लेकिन ये उनका झूठ इसलिए था और बिल्कुल जाहिर झूठ था कि अल्लाह तबारक व ताली ने इससे कबल उनको तीन बार चैलेंज कर दिया था कि ए लोगो अगर तुम सच्चे हो कि ये क़ुरान अल्लाह की किताब नहीं है इस दावे में अगर तुम सच्चे हो तो फिर जमतुबाजल क़ुर सनसराइल की अठासी नंबर आयत में अल्ला ने यह चैलेंज दिया था कि अगर तुम सच्चे हो तो सारे जिन और तमाम इंसान मिलकर इस क़ुरान की तरह कोई कुरान लाना चाहो तो नहीं ला सकते अगर तुम सारे एक दूसरे के मददगार होकर भी इस तरह का कुरान लाना चाहो तो नहीं ला सकते पहले तो पूरे कुरान का चैलेंज दिया फिर सुरहूद के अंदर अल्लाह तबारक व आयत नंबर तेरह में फ़रमाया कि अगर पूरा कुरान नहीं ला सकते

एक छोटी सी सूरत भी बनाकर इस तरह की ले आओ अगर तुम अपने दावे में सच्चे हो तो ये तीन तरह पहले उनको चैलेंज हो चुके थे अब वो कहते हैं कि ये पहले लोगों की कहानियां हैं और ये तो हम इस तरह का बनाकर ला सकते हैं और आखिर में जब वो मक्का मुकरमा से निकने लगे तो उन्होंने कहा वह इज़काबिनीम ए अल्लाह अगर ये कुरान तेरी तरफ तर्स, से सच्ची कलाम है सच्चा कुरान है सच्ची किताब है तो फिर हम पर पत्थरों की बरसात कर दे ताकि हम हलाक हो जाएं। तो अल्लाह जवाब दिया वह मैकान हमारा यह कानून है कि हम उस वक्त तक उस बस्ती वालों को हलाक नहीं करते जब तक हमारा पैगंबर उस बस्ती के अंदर मौजूद है और दूसरी वजह यह बता दी कि इस बस्ती के अंदर मक्का के अंदर अभी भी मुसलमान मौजूद हैं वो अल्लाह से हर वक्त इसतफ़ार में रहते हैं उसकी तस्वीर और तहलील में रहते हैं तो जो लोग हमारी तस्वीर व तहलील करें हमसे डरने वाले हों हमसे मुआफ़िया मांगने वाले हों हमारी जिक्र में मशगूल हों हमारी इबादत में मशगूल हों हम उनको कैसे हलाक कर सकते हैं हम उस बस्ती पर कैसे पत्थर की पत्थरों की बरसात कर सकते हैं ये था ये पाँच और ये तकरीबन सात वजह बता दी इसकी कि हमने इस वजह से अल्लाह तबारक व ताली ने इन लोगों की आ, मदद नहीं की है बल्कि हमने ईमान वालों की मदद की ये इसका पहला हिस्सा था अब आगे दूसरे हिस्से में क़ुर क़रीम ने सर अनफ़ाल के अंदर कवानी जंग बयान किए हैं कि जंग के कवानी क्या हैं और उसमें ईमान वालों के लिए क्या हदायात हैं और अल्लाह के पैगंबर के लिए उसमें क्या कवानी है पहली आयत में अल्लाह तबारकवा ने फरमाया कि या मोहब्बत आमेज अल्फाज से अल्लाह तबारक ने ईमान वालों को खताब फरमाया है इस ऐसे असूल बताए हैं जिन पर अमल पीरा होकर वह मैदान जहाद में कामयाबी के झंडे गाड़ सकते हैं और इसके लिए पहली आयत आयत नंबर पंद्रह में अल्लाह ताला ने ख़ा फरमाया कि या यहन का कफ़रू जहफन अदबार जंग का पहला असूल यह बताया कि ए ईमान वालो जब तुम मैदान जंग में काफरों से टकराओ तो उनसे पीठ मत फेरो फेरोत अदबार

दूसरा ख़ता आयत नंबर तेईस में अल्लाह तबार आयत नंबर पच्चीस में अल्लाह तबार बीस में अल्लाह तबारक व ने यह हुक्म दिया कि यह तुम तस्म ए ईमान वालो अल्लाह और उसके रसूल की इतायद करो और उससे सुनकर एराज मत करो यानी जब अल्लाह और उसका रसूल तुम्हें बुलाएं उस पर दब्बे कहो और जो कुछ वो कहें उसे सुनकर उस पर अमल करो उससे एराज नहीं करना उसे इग्नोर नहीं करना आयत नंबर तेईस में खताब फरमायास्तब लसूल इजाद

और हमेशा की ज़िंदगी तुम्हें आता होती है इसलिए इसे भागना नहीं है इसे डरना नहीं है बल्कि इसे मोहब्बत करनी है ये मोहब्बत वाली ज़िंदगी है और ये तुम्हें अली मकाम देने वाली ज़िंदगी है लिहाजा इसे डरना नहीं है भागना नहीं है चौथा खिताब आयत नंबर सताई में अल्लाह तुम्बार को तैय ने हुक्म दिया कि यह अल्लान व रसूल अमानतुम व अन तुम ताल ईमान वालों अल्लाह और अल्लाह के रसूल से खानत नहीं करनी है और आपस में भी अमानतों में ख्यात मत करो और याद रखो व वालमू वन तुम ताल और तुम जानते हो कि ख्यात करना बहुत बुरा है पांचवा खिताब आयत नंबर उनतीस में या यादीन अमन तक या यज़अल लकुम फुरकान व युकफ़िर अनकुम व यग़फ़िर लकुम व अल्लाह कुम व तआला ने ए ईमान वालों तुम्हें यह हुक्म दिया है कि ईमान वालों अगर तुम अल्लाह से डरते रहोगे तो वो तुम्हें फुरकान अता कर देगा और तुम्हारे गुनाह तुमसे दूर कर देगा और तुम्हें बख्श देगा और अल्लाह बड़ा फ़जल वाला है छठा खताब या तुम फ़ियान फसबत हो वजकरु ए ईमान वालो जब किसी जमात से तुम्हारा मुकाबला हो तो सबत कदम रहो और अल्लाह को बहुत याद करो ताकि तुम कामयाब हो जाओ और अल्लाह उसके रसूल के हुक्म पर चलो आपस में झगड़ा न करना वरना तुम बजदिल हो जाओगे और तुम्हारी हवा उखड़ जाएगी और सब्र से काम लो अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है यहाँ चंद चीज़ें जिक्र की हैं सबसे पहले यह फरमाया कि तक्वा इख्तियार करो और साबित क़दम रहना है और फरमाया कि अल्लाह का ज़िक्र हमेशा जुबान पर रतमसान रहना है और आपस में झगड़ा नहीं करना है अगर झगड़ोगे तो तुम्हारी क़वत ख़त्म हो जाएगी और ख्यात नहीं करनी है झगड़ा नहीं करना है ये वो हदायात हैं जिन पर अगर तुम कारबंद रहोगे तो तुम ही गालिब रहोगे इन आयात में चंद बातों का हुक्म दिया गया है इन पर अमल और जिन बातों से मना किया गया है उनसे बाज आकर मुसलमान यकीन दुनिया की सबसे मजबूत और ताकतवर कौम बन सकते हैं ऐसी जुमात कभी शिकस्त से दो चार नहीं हो सकती वो जुम्हत जो दुश्मन से पीठ नहीं फेरती वो जो जुम्मत जो अल्लाह और रसूल की हियद करती है उनके हुक्म से आर नहीं करती वो जुमात जो जैसे अल्लाह और रसूल ऐसे काम के लिए बुलाएँ जिसमें उसकी हयात है और वो सर हम उसे तस्लीम करते हैं वो जुमात जो अल्लाह और रसूल और आपस में ख्यात नहीं करती वो जुम्हत जिसमें तकवा की सिफत अली दर्जे की हो वह जुम्त जिसमें इस तकामदमी ज़िक्र की कसरत आपस में सबर और आला दर्जे का मौजूद हो जिस जमात में ये इतनी आला सिफ़ात मौजूद हों भला वो कब शिकस्त खा सकती है वो फते कामयाबी कामरानी से हमेशा हम कनार होगी अगरचे वो पहाड़ों ही से क्यों ना टकरा जाए आ, ये वो हदायात हैं जंग की जो अल्लाह तबारक व तूरत के अंदर ज़िक्र फरमाई हैं उसके बाद बदर का वाक़ आप हमेशा सुनते रहे हैं और वो अल्लाह तबारक व ताली ने अपने पैगम्बर सल्हुसम को मैदान बदर में फरमाया कि व किन अल्लाह रमा के आपने नहीं फेंकी यानी मट्टी तो आपके हाथ ही से फेंकी गई थी लेकिन मट्टी भी वो आम मट्टी थी लेकिन आपका हाथ भी वह हाथ था जिससे आपने वो मट्टी उठाकर फेंकी फेंकी थी दुश्मनों पर तो अल्लाह तबारक वाली ने रसूल वसल्लम को हुक्म दिया कि आप यह मट्टी उठाकर फेंकें और इस मट्टी को फेंकना आपका काम है और इसके अंदर मिजाइल और इसके अंदर गैस का असर पैदा करना यह हमारा काम है फलम तख्तलो हम

वो मबहूत हो गया मरअब हो गया और उसकी आँखों में मुसलमान जो थे वो उसको दुगना नज़र आते थे या तो नज़र ही नहीं आते थे अगर नज़र आते थे तो वो दुगना नज़र आते थे इसलिए कि ये हमारा हुक्म था कि हम आज आपको गालब करके रहेंगे वह यक़ुल्ह का भी कलीम आती ही व यक तो अदिरफ्रीन हम चाहते थे कि हक को ज़ाहिर कर दें बातल को मगलूब कर दें और इनकी नस्लों को ताकि ये सबक इनकी नस्लों तक बाकी रहे कि मुसलमानों से जंग करना कितना मुश्किल है लिहाजा हक और बातल का ये फ़ैसला हो जाना चाहिए अल्लाह ने यह फ़ैसला सुना दिया आखिर में सूरत के अंदर अल्लाह तबारक व ने ईमान वालों के लिए यह हुक्म दिया फरमाया कि والذين लजीना आ وجاهدوا व हाजरु व वो लोग जिन्होंने हिजरत की जिन्होंने जिहाद किया माल के साथ जान के साथ और वो लोग जिन्होंने मुहाजरीन की माल के साथ जान के साथ मदद की उनको जगह दी माली मदद की और इखलाकी मदद की वजी آوا वनसरु उलैका हुमुल मोमिनून हक्का यही वो ईमान वाले हैं जो सच्चे मोमन हैं लहुम मगफिरतुन व रिज़क़ुन करीम या अल्लाह ने इन ईमान वालों को एक सर्टिफिकेट अता फरमा दिया आगे आते हम हमारे पास सूरह बरात है सूरह बरात भी कहते हैं इसको और इसे सूरह तौबा भी कहते हैं ये اصلا इन दोनों सूरतों का मज़मून एक है मुफस्सरीन की ये राय है ये सूरतें दोनों एक ही हैं मजमून भी इनका एक ही है और इसी वजह से इनके दरमियान में बिस्मिल्लाह नहीं लिखी गई और बिस्मिल्लाह का हुक्म भी ये है कि अगर आप सूरत को पढ़ते चले आ रहे हैं तो यहाँ बिस्मिल्लाह पढ़ने की ज़रूरत नहीं है इसलिए कि ये एक ही सूरत है और अगर आपने यहाँ से शुरू करना है तो इतफ़ाक़ मुफसरीन का यह है कि आप इसमें बिस्मिल्लाह पढ़ कर इसको शुरू कर सकते हैं इसलिए कि कुछ लोग ये कहते हैं कि इसमें बिस्मिल्लाह नहीं पढ़नी चाहिए यह ऐसा नहीं है बल्कि बिस्मिल्लाह ला ना लिखने की वजह मुफसरीन ने यही जिक्र किया है कि यह एक ही सूरत है ये दो सूरतें नहीं हैं जिसकी वजह से इसमें बिस्मिल्लाह नहीं लिखी गई सूरह तौबा मदीना में नाजिल हुई ये भी मदनी सूरत है और इसको तोबा भी कहते हैं और बारात भी कहते हैं आयात इसकी एक सौ उनतालीस हैं और इसके सोलह रुकू हैं बारात इसलिए कहते हैं कि अल्लाह तुबारक वाली के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुआहिदात थे लोगों से अहले किताब से आप जब मदीना मुनवरा पहुँचे तो आपके अहले यहूद जो उस वक़्त मदीना में रहते थे ये अहले किताब थे और इनके साथ आपके कुछ मुाहदात थे और इसी तरह मुश्रकिन मक्का जो थे उनके साथ भी आपके ताल्लुकात और माहदात थे कि हम जंग नहीं करेंगे लेकिन आप जब अल्लाह तबारक व ये हुक्म दे दिया था कि बिअन्नहुम उस व यबिल्म अला आसरम लक़दीर जब अल्लाह तबारक व ताली ने यह हुक्म दे दिया कि अब उन उनदात के उन लोगों को नोटिस दे दिया जाए उनकी बार बार बदअहदी और उनकी अहद शिकनी की वजह से बनी कुरैजा बनी नज़ीर और बनी कैनका ये वो कबाइल थे जो मदीना में रहते थे और आए दिन मुसलमानों के खिलाफ साजिशें भी करते थे और मक्का के मशर्क से जाकर मिलकर उनको दावत भी देते थे कि मदीना आओ और हम मिलकर मुसलमानों के खिलाफ चढ़ाई करेंगे तो उनकी इन बदहदियों की वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने कहा कि अब इन लोगों के माहिदा फम बिज़ अब इन माहदात को इनकी तरफ फेंक दो जब ये माहदों पर अमल नहीं करते हैं तो आप ही इनके माहदात के पाबंद नहीं हैं लिहाजा ये बरात है कि हमने जो माहदात तुमसे किए थे तुम्हारी बदअहदी की वजह से तुम्हारी अहद शिकनी की वजह से हम उन उनदा को ख़त्म करते हैं और आइंदा के लिए हमारा आपसे कोई मुहदा नहीं होगा नबी करीम सल्ला वम ने ए, ये नौ हिजरी में जब आपने गवा तबूक के लिए मुसलमानों को दावत दी और आपने ऐलान कर दिया कि ए लोगो आपने हमारे साथ चलना है ये गजवाए तबूक एक सुपर पावर के साथ उस वक्त की सुपर पावर थी रोमियों की हुकूमत उसके ख़िलाफ़ ये जिहाद था और ये मौसम भी बड़ा सख्त गर्म मौसम था यू रूमियों के लिए निकलते थे और ये गज़वा तबूक के नाम से याद किया जाता है सख्त गर्मी के ज़माने में पेश आया और पहली फल भी सारे पक कर तैयार हो चुके थे सफ़र भी तवील था और मुकाबले में एक वक़्त की सुपर पावर थी और सफ़र बहुत सख्त था मोमिनों और मुनाफों के दरमियान एक इम्तियाज़ भी होना था आज मालूम हो जाएगा कि कौन पक्के पक् मैं और कौन पक्के मुनाफिक हैं लिहाजा ये एक फ़ैसले का दिन था सरकारी तो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके लिए मुसलमानों को ऐलान किया तैयार किया और बार बार इससे गजवा के लिए लोगों को दावत दी जाती थी और उनको ज़्यादा से ज़्यादा उनके अंदर जोश पैदा किया जाता था तोबा इसलिए कि भी कहते हैं कि मुसलमानों की तोबा कबूल हुई जो गजवा तबूक में पीछे रह गए थे उनकी तोबा अल्लाह तबारक वाली ने कबूल फरमाई और बारत इसलिए कहते हैं कि इस सूरत में कुफार से लाताली का ऐलान कर दिया गया था मश्रकिन से जो माहदा थे इन माहदात की इंतहा इनकी इंतहाई का इन, इन चार माह मुकर कर दिए गए थे कि चार माह के अंदर अंदर जो कुछ आपके माहदाते हैं इनको पूरा कर लिया जाए इसके बाद माहदा ख़त्म कर दिया जाएगा सूर तोबा में बसमिल्ला की वजह मैंने बता दी गई सूर तोबा में चंद गजवात का जिक्र किया गया है इन में मुतल वाक़ात का और इनके जमेन में बहुत से अहकाम व मसाइल का बयान हुआ है पहला गजवा जो था ये छः हिजरी में सुलहदबिया में पेश आया और दूसरा सात हिजरी में उमरा कज़ा और आठवा फ़ते मक् और गजवाए खुनैन फिर इसी साल आठ हिजरी में हुआ और गजवा तबू नौ हिजरी में हुआ यह गजवा जो थे नोज़ मुशरकिन के साथ माहिदात ख़त्म करने के बाद अहल किताब यगूद के साथ भी कताल की इजाज़त दी गई यहूद के कुराज़ा, बनू नज़ीर, बनू बनुमका मुसलमानों को नुकसान पहुँचाने का कोई मौका हाथ से नहीं जाने देते थे यहूद के इसलिए तकरीबन बीस आयात में अल्लाह तबारक तआला ने उनके खुबस बातन का जिक्र किया है और अहले किताब जो अल्लाह और रसूल क़यामत हलाल और हराम पर ईमान नहीं रखते इनसे जिहाद करना यहाँ ज़िक्र किया गया है इन आयात में पहली आयत से लेकर

ये हज के लिए रसूल्ला ने अबू बकर को हज का अमीर बना कर भेजा था और जब यह आय तनाजु हुई तो अल्लाह के रसूल ने अली रजी अल्लाह को एक खत दे कर भेजा कि जाओ और अबू बकर को कहो कि ये खत पढ़ कर के मैदान में लोगों को सुना दिया जाए कि ये तुम्हारा आखिरी हज है हमारे माहिदा तुम के साथ ख़त्म हो चुके हैं और आइंदा किसी मश्र को हज करने की बैतल्ला में दाखिल होने की इजाज़त नहीं होगी अय्युहल मनु आमनु इन्नमल मुशरकू नजसन फ़ला यक्रबस्जिद हराम बद आम हिम हाजा इन आयात में यह ऐलान करने के लिए अदरत अली रज़ी अबू बकर के पास पहुँच गए और अराफात व मिना में ऐलान करा दिया गया कि लोगो ये तुम्हारा आखिरी हज है और हमारे माहिदा तुमसे ख़त्म हैं आइंदा तुम्हें हज की इजाज़त नहीं दी जाएगी मुशर्की मक् मस्जिद हराम की तमीर और हाजियों की खिदमत पर फख्र करते थे तो जवाब दिया गया कि उल के हब व नारम खाल कि तुम ये कहते हो कि हम हज़ियों को पानी पलाते हैं हमने बैतुल्ला की तामीर की है तो फरमाए ये बैतुल्ला की तमीर हाजियों को पानी पलाना उनको खाना खिलाना और खिदमत करनी ये सारी चीज़ें इसकी बुनियाद जो है वो ईमान है अगर तुम्हारे अंदर अल्लाह और अल्लाह के रसूल पर ईमान नहीं है ये तमाम काम जो तुम्हारे हैं ये सारे के सारे अल्लाह ताली ज़ाया कर देंगे धो डालेंगे इसका कोई तुम्हें अजर नहीं मिलेगा यहाँ तक हम पहुँचे हैं इसके आगे और सूरत का बहुत का हिस्सा बाकी रहता है लेकिन चूँकि टाइम ख़त्म हो गया है इसी पर हम इतफाक़ करते हैं अल्लाह तहारा मुझे और आप सब को قرآن پڑھنے کی اس کو سننے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا الحمد لله رب العالمين ولا عقبة للمتقين والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا أرحم الراحمين اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد إله العالمين جتنے بیمار ہیں يا الله سب کو شفاء کاملہ عاجل عطا فرما إله العالمين جو لوگ رخصت Donia उन सब की मकफ़त फरमा आलम को नेम कोत फरमा आपस में इतफ़ाक़ फरमा तयफ़रमा आलमीन हमारे रोज़ों को शर्फ़ कबूल येता फरमा हमारे गुजशत ग्राहों को मुआफ़ फरमा आलमीन हमारी आने वाली नस्लें जो बैरून मुल्क हैं खूस यूरोप और अमेरिका और इन ममालिक में या उनकी हिफाजत फरमा या अ यहाँ कदम कदम पर मसाइल हैं मसायब हैं मशाक़ल है या हम हमें हमारी इन नस्लों की हिफाजत फरमा किताबुल्ला सुन्नत रसूल पर सही अमल करने की तौफीक अता फरमा व सल्लल्लाहु अला नबी व अला आलिही व असहाबिही अजमाईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन